इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज ऑफ क्लास ऑफ चैप्टर 6. ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6. सी, टिक द करेक्ट आंसर. आपको सही आंसर, जो आंसर सही होगा उस पर टिक करना है. और इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शंस में आपको पहले देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है और कौन सा रॉन्ग है. फर्स्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, यानी कि जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. लेट्स चेक इट. नाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस. इन चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है. जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे. सेकंड, द लिटिल बॉय इन हिज न्यू ड्रेस प्लेस विद ए डर्टी बॉल. विच वर्ड डिस्क्राइब्स द ड्रेस ऑफ बॉय, यानी कि द लिटिल बॉय, लिटिल बॉय है, छोटा बॉय है, इन हिज न्यू ड्रेस, अपनी नई ड्रेस पहनकर प्लेस खेलता है विद ए डर्टी बॉल, एक गंदी बॉल के साथ, यानी कि डर्टी बॉल के साथ. विच वर्ड डिस्क्राइब, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है द ड्रेस ऑफ द बॉय, यानी कि जो बॉय की ड्रेस को डिस्क्राइब करता है उस वर्ड पर हमें टिक करना है. तो देखिए कौन सा इसमें ड्रेस किस तरीके की पहनी हुई हुई है. द लिटिल बॉय इन हिज न्यू ड्रेस. ड्रेस कैसी है, न्यू है. अब ऑप्शंस देखिए, लिटिल, न्यू, डर्टी, क्लीन. तो बॉय ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, न्यू ड्रेस. तो हम इस न्यू पर टिक कर देंगे क्योंकि यही हमारा राइट ऑप्शन है. क्लियर. नेक्स्ट, रीड द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल दी नाउंस, यानी कि हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और जितने भी नाउंस हैं उनको अंडरलाइन करना है. द लिटिल गर्ल इन ए ब्राउन ड्रेस, छोटी सी लड़की, लिटिल गर्ल इन ए ब्राउन ड्रेस पहने हुए है, प्लेस खेलती है विद ए वुडन डॉल, एक वुडन डॉल के साथ. द डॉल इज वियरिंग, डॉल पहन रही है ए ब्लैक स्कर्ट एंड ए वाइट ब्लाउज, यानी कि जो डॉल की ड्रेस है वो स्कर्ट है जो कि ब्लैक कलर की है एंड ब्लाउज है जो वाइट कलर का है. हर नॉटी ब्रदर, उसका यानी कि जो लिटिल गर्ल है उसका नॉटी ब्रदर पुल्स द डॉल फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथों से, अब लिटिल गर्ल के हाथों से नॉटी ब्रदर डॉल को छीन लेता है. द स्वीट गर्ल, वो प्यारी सी गर्ल चेसेस हर ब्रदर एंड गेट बैक, उसके पीछे भागती है, अपनी डॉल लेकर वापस आ जाती है. ठीक है, तो अब इसमें है कि लिटिल गर्ल ब्राउन कलर का ड्रेस पहने हुए एक वुडन डॉल के साथ खेल रही है और उस जो डॉल है उसके पास, उस डॉल ने ब्लैक स्कर्ट और वाइट ब्लाउज पहने हुए है और जो उस लिटिल गर्ल का ब्रदर है जो कि बहुत नॉटी है, वो नॉटी ब्रदर अपनी सिस्टर के हाथ से वो डॉल के छीन कर लेकर आ जाता है और फिर उसके बाद वो स्वीट लड़की जो है गर्ल उसके पीछे भागती है, अपने भाई के पीछे, और अपनी डॉल लेकर वापस आ जाती है. क्लियर. तो अब हमें इसमें पहले नाउंस पर अंडरलाइन करनी है. नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बताते हैं तो वो नाउन होता है. क्लियर. तो नाउन देखिए हम फाइंड करते हैं. द लिटिल गर्ल, गर्ल पर्सन है, नेम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ गर्ल है. तो इस गर्ल पर हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये हमारा नाउन है. इन ए ब्राउन ड्रेस, ब्राउन ड्रेस में खेल रही है विद अ वुडन डॉल. डॉल आपका थिंग है, नॉन लिविंग थिंग होती है डॉल. ये हमारा नाउन हो गया. दिस डॉल, अगेन डॉल आया, यहाँ भी अंडरलाइन करना है. इस वियरिंग, पहने हुए है ए ब्लैक स्कर्ट एंड वाइट ब्लाउज. हर नॉटी ब्रदर, ब्रदर पर्सन आ गया, यानी ब्रदर पर्सन आता है, पर्सन होगा तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे, यानी कि ब्रदर नाउन हो गया. पुल्स द डॉल, अगेन डॉल, डॉल थिंग है तो डॉल को अंडरलाइन कर देंगे. फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथों से. द स्वीट गर्ल, अगेन गर्ल आया है तो गर्ल है पर्सन, तो ये नाउन हो गया इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे. चेस हर ब्रदर, यानी कि अपने भाई के पीछे, ब्रदर पर्सन है तो यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे.
ये हो गया हमारा नाउन एंड गेट बेड। तो गर्ल, डॉल, ब्रदर, ये तीन वर्ड हैं आपके जो इसमें नाउन की यूज है, नाउन है यहाँ पर। नेक्स्ट, हाउ मैनी ड्रेसेस यू फाइंड, आपने कितनी ड्रेसेस इसमें फाइंड की। देखिए आइए हम फिर से इस पैराग्राफ में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी ड्रेसेस हैं। द लिटिल गर्ल इन ए ब्राउन ड्रेस, एक ड्रेस ये हो गई, कैसी ड्रेस है गर्ल की, ब्राउन। तो एक ड्रेस हमारी ये हो गई, प्ले विथ वुडन डॉल, वुडन डॉल के साथ खेलती है। द डॉल इज वियरिंग, पहने हुए है ब्लैक स्कर्ट एंड वाइट ब्लाउज। दूसरी ड्रेस आ गई, यानी कि पहली ड्रेस है गर्ल की एंड सेकेंड ड्रेस है डॉल की जो कि स्कर्ट एंड ब्लाउज पहने हुए है। टू ड्रेसेस हो गई। इसके आगे हर नॉटी ब्रदर पुल्स डॉल फ्रॉम हर हैंड, इसमें कोई भी ड्रेस नहीं बताया गया है। द स्वीट गर्ल चेसेस हर ब्रदर एंड गेट बैक, इसमें भी कोई भी ड्रेसेस नहीं है, यानी कि हमारे सिर्फ टू ही ड्रेसेस है, वन गर्ल की एंड सेकेंड डॉल की। तो कितनी ड्रेसेस हो गई, टू गर्ल्स, टू ड्रेसेस। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे टू ड्रेसेस, टू ड्रेसेस। बी, नाउ सर्किल ऑल द एडजेक्टिव्स इन द अबव पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उस पर हमें सर्कल करना है। ठीक है, पहले हमने नाउन पर अंडरलाइन किया था, अब एडजेक्टिव्स पर सर्कल करना है। एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर या साइज बताते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द लिटिल, लिटिल गर्ल, गर्ल कैसी है, लिटिल है, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे क्योंकि लिटिल क्या है, उसने गर्ल की क्वालिटी बताई है। इन ए ब्राउन ड्रेस, एक है ब्राउन, देखिए ब्राउन ड्रेस कैसी है, ब्राउन है, उसकी उसने क्वालिटी बता दी ड्रेस की क्वालिटी, तो ये एडजेक्टिव हो गई। प्लेस विद ए वुडन डॉल, डॉल एक नाउन है, नाउन को जिससे हम डिस्क्राइब करेंगे वही हमारा एडजेक्टिव होगा। डॉल कैसी है, वुडन है, तो वुडन हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, द डॉल इज वियरिंग, डॉल पहने हुए ब्लैक स्कर्ट, स्कर्ट कैसी है, ब्लैक है, तो इसमें उसका बता दिया है कलर ब्लैक है। और ब्लाउज कैसा है, वाइट है, ठीक है, इसमें उसका कलर बताया है, तो ये एडजेक्टिव होगा। हर नॉटी ब्रदर, ब्रदर कैसा है, नॉटी है, यानी कि शरारती है, तो नॉटी एडजेक्टिव हो जाएगा। पुल्स द डॉल फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से खींचता है। द स्वीट गर्ल, गर्ल कैसी है, स्वीट है, तो स्वीट पर हम सर्कल कर देंगे क्योंकि गर्ल की क्वालिटी बताइए कि गर्ल स्वीट है। गर्ल चेसेस हर ब्रदर, अपने भाई के पीछे भागती है, गेट बैक और वापस आ जाती है। इसमें यही आप जो अंडरलाइन है वो नाउन्स हैं और जो सर्कल करे हुए हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसमें एक क्वेश्चन आपका यहाँ है, नाउन्स है, नाउन्स पर अंडरलाइन की हैं, वो नाउन्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ड्रेसेस, टू ड्रेसेस हैं, ये भी आपको नोट करना है। एंड बी यहाँ पर आपको सर्कल करे गए हैं वो भी आपको नोट करना है। ठीक है, कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, डू दिस एक्सरसाइज।